अंबाला में दिन दहाड़े चार युवकों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का मामला सामने आया है, जिसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक घायल का इलाज अंबाला के नागरिक अस्पताल में चल रहा है और एक को चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। यह घटना अंबाला शहर के कालका चौक की है। चारों युवक अंबाला कोर्ट में पेशी के बाद वापस घर जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दो युवकों द्वारा इस वारदात को अंजाम दिया गया है। मामला दो गुटों की आपसी रंजिश का बताया जा रहा है। अंबाला में सुबह करीब 11 बजे दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जब दिन दहाड़े अंबाला के कालका में कुछ युवकों ने कार सवार चार युवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें कार में सवार चारों युवकों को गोलियां लगी हैं। घटना के तुरंत बाद सभी को शहर के नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां दो युवक पंकज और राहुल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दो गंभीर रूप से घायल अश्विनी और गौरव का इलाज शुरू कर दिया गया है, परंतु पेट और बाजू पर गोली लगने से हालत ज्यादा गंभीर होने के चलते गौरव को चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। अश्विनी का इलाज अंबाला के नागरिक अस्पताल में ही चल रहा है। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चारों युवक अंबाला कोर्ट में पेशी के लिए आए हुए थे। पेशी के वापस जाते वक्त ये घटना हुई है। चारों युवक पंचकुला के राजीव कॉलोनी और मोली जागरा के रहने वाले हैं। वहीं डीएसपी सुल्तान सिंह ने बताया कि 11 बजे के करीब दो युवकों द्वारा चार कार सवार पर गोलियां चलाने का मामला सामने आया है, जिसमें दो की मौत हुई है और दो गंभीर रूप से घायल हैं। वारदात दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते हुई है। एक चश्मदीद ने बताया कि स्विफ्ट कार में आए तीन युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। कालका चौक पर सीसीटीवी लगे हुए हैं, जिनकी फुटेज खंगाली जाएगी। हमलावरों द्वारा दर्जनों राउंड फायरिंग की जांच जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये हमला भूपी राणा ग्रुप द्वारा लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के सदस्यों पर किया गया है। फिलहाल अंबाला पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। ये डॉक्टरों ने वो भी क्लियर नहीं किया, अभी कह रहे हैं कि दो की डेथ होगी है। अभी ये बताया डॉक्टर अभी क्लियर करते हैं कि आपको जिनकी डेथ हुई है वो भूपी राणा ग्रुप के हैं। वो भूपी राणा ग्रुप के जिनकी डेथ हुई है, ये है जो मारने वाले हैं, ये है जो ये अभी तक बातचीत से यही पता चला। कोर्ट में पेशी से आ रहे थे वापस, अभी ये कोर्ट में कह रहे हैं गए थे, लेकिन किस कोर्ट में अभी ये नहीं बता पा रहे हैं। कोर्ट से पता किया तो कोर्ट में हाजिर भी नहीं हुए हैं किसी कोर्ट में। आज ऐसी बात आई है, ये कह रहे हैं कि हम कोर्ट में गए थे, लेकिन ये कोरोना की वजह से हमारे को ये बोल दिया गया है कि आज कोर्ट में पेशी नहीं। सर, 12 साल बाद अंबाला में गैंगवार की फिर से दस्तक हुई है, क्या पुलिस की के पास इनपुट नहीं था कि ऐसा कोई हरकत अंबाला में हो सकती है? अगर ये होती पहले तो हम होने ही क्यों देते, ये बात ऐसी नहीं थी। कालका चौक पे भी पुलिस का पहरा रहता है सर। जो ये मुकदमा है कालका चौक पे पुलिस है, ये मानने वाली बात है। जैसे आप देख रहे हो कि वहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, मिट्टी का एक ढेर था सड़क से इस किनारे, जहाँ गाड़ी आस्ता हुई वहाँ जो ये अपनी व्हीकल चले हुए थे वो खिसक खिसक के थोड़ा चल रहे थे आराम से। कालका चौक पे सीसीटीवी लगा हुआ है, क्या उसको करेंगे हम सब? ये इसकी करेंगे, उसके लिए टाइम चाहिए ना, वो हम इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। वो लगभग ये भी बात आई है कि दर्जनों राउंड फायर हुए हैं। सर, कट्टा बरामद हुआ है, ये जो राउंड फायर है ये पिस्टल के हैं? यूथ कहाँ के रहने वाले? अभी इसका एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। कुछ रोन मिल रहे हैं, उसमें मिले जुले हैं, क्योंकि दो आदमियों ने ये लगे हैं वहाँ के, भी दो आदमियों ने फायर की है, अभी तक यही आई है। और एक आदमी गाड़ी में था, अभी प्रत्यक्षदर्शी जो थे उन्होंने यही चीज बताई है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। कौन से रोन है, किस वेपन से चले हैं, वो आगे का। गाड़ी में लूटी भी थी, गाड़ी में लूटी भी थी, महिला भी थी, क्या उसके बारे में कुछ पता चल पाया? नहीं, अभी हमारे नॉलेज में ये नहीं आया, नॉलेज में नहीं है। चलिए सर, थैंक यू। ये थे डीएसपी सुल्तान सिंह, जिन्होंने कहा कि अभी ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।